हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा आज का टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें तीन इक्वेशन दी गई हुई है। इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9। इसमें इस मेथड में हमें इक्वेशन को सॉल्व करके x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड करना होती है। इसमें इस मेथड में हम इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करके x को एलिमिनेट करते हैं, फिर एक बार इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड का यूज़ करके फिर एक बार एक्स को एलिमिनेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट में हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करके एक्स को एलिमिनेट करेंगे। अब इसमें हमारे पास इक्वेशन सेकंड में एक्स का कोऑर्डिनेट है 1 एंड इक्वेशन फर्स्ट में भी एक्स का कोऑर्डिनेट है 1। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो हमारा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, माइनस वाई एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई माइनस 2 वाई, प्लस जेड माइनस जेड कैंसल इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, वाई इज इक्वल टू -4 अपॉन -2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। अब स्टेप सेकंड में हमारा होगा स्टेप सेकंड में हम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके एक्स को एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन थर्ड में हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट है 2, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का कोऑर्डिनेट है 1। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट 2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 12। ये हमारा वो इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 माइनस 12। अब हमारा प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, अब माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3y प्लस 3z माइनस 2z इक्वल टू प्लस जेड इक्वल टू -3। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, 3y माइनस जेड इक्वल टू 3। ये हमारा हुआ इक्वेशन 5। अब हम y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड 5 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ y put in equation 5, 3y minus z equal to 3, 3 into 2 minus z equal to 3, minus z 3 to the 6, 6 minus z is equal to 3, minus z equal to 3 minus 6
माइनस जेड इक्वल टू माइनस थ्री, तो जेड इक्वल टू थ्री। अब हम y और z का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स। हमारा y का वैल्यू है 2 और z का वैल्यू है 3। तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में y लिखते हैं, पुट y एंड z वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू वन। इस तरह से हमारा एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड हुआ है। एक्स इक्वल टू फर्स्ट वन, सेकेंड वाई इक्वल टू टू, थर्ड है जेड इक्वल टू थ्री। ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।